हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग कैसे हो आप लोग आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड तो अभी है सुबह का टाइम दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट नहीं बोल सके चाय पी ली है और उसके बाद आ गई हूँ क्लीन करने वे का रूम वैसे भी आज मेरा वीक में जो दिन है आज का वो मेरा क्लीनिंग का दिन होता है मैं अब का सब कुछ क्लीन करती हूँ पर आज थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन करूँगी सिर्फ एक रूम एक एक रूम करूँगी सभी रूम इस तरह से क्लीन करूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा तो वेदांत का रूम से स्टार्ट किया है उसका रीज़न ये है ना ये नाइट क्या हुआ था ना कि एक स्पाइडर उसे दिख गया था छोटा मुझे तो दिख भी नहीं रहा था ग्लासेस के बिना इतना छोटा था और वो एकदम डर गया था तो मैंने सो तब भी लेकिन मन में तय कर लिया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब स्कूल चले जाएंगे बच्चे तो मैं क्लीन कर लूँगी इसीलिए यहाँ पे क्लीन करने लगी हूँ और दोनों बच्चे हैं ना वो स्पाइडर छोटा सा भी दिख जाए ना तो बहुत डर जाते हैं बॉक्स ऐसी चीज़ों से वो इतने यूज़ नहीं है जितना बच्चे लोगों को जनरली होना चाहिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों के आ, से डरना नहीं चाहिए तो वैसे तो मैं क्लीन करती ही रहती हूँ पर और स्प्रिंग भी आएगा तो एकदम डीप क्लीनिंग होगी पर मैंने सोच लिया तब फिर से करूँगी एक बार मुझे पूरा ये सीलिंग वाला और सब वॉल्स और सब चीज़ें अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी ताकि कहीं भी स्पाइडर या स्पाइडर वेब हो ना तो फिर ये सब निकल जाए और मैंने ब्लैंकेट बिछा दिया है बेड के ऊपर क्योंकि ब्लैंकेट भी आज मैं करने वाली हूँ लॉन्ड्री तो सब जो भी कपड़ा कचरा पड़ेगा ना वो उसी के ऊपर पड़ेगा वैसे मैं बेडशीट्स भी चेंज करूँगी और नीचे कारपेट क्लीन करने के लिए भी रोबोट को मैं रख दूंगी यहाँ से जाने के बाद तो जो भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का हो वो वो हो जाएगा बाकी का फैन को भी क्लीन कर लिया साथ साथ में वो इतना यूज नहीं होता विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं तो उस डरट ही नहीं था पर हल्का हल्का सा उसे भी क्लीन कर लिया ब्लाइंड्स तो मैं वैसे क्लीन करती ही रहती हूँ तो एक बार फिर से यहाँ पे ताकि कहीं भी कोई स्पाइडर वेब भी ना रह जाए ताकि कहीं भी स्पाइडर दिख जाएगा तो वो प्रॉब्लम होगा और साथ साथ में मैंने टिश्यू से जो बेसिक क्लीन करना हो वो कर लिया विंडोज़ भी ग्लासेस भी क्लीन कर लिए थोड़ा बहुत डस्ट आता है वैसे विंटर में इतना ज़्यादा कचरा नहीं आता बाहर से पर कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है और स्टडी टेबल भी इसका अच्छा खासा फैला हुआ था तो वो भी साथ में क्लीन कर लिया तो ये करते करते ऑलमोस्ट मुझे वन आवर हो गया इतना ही किया और उसके बाद मैंने बाथरूम भी क्लीन किया था उसका पूरा डीप क्लीनिंग तो उसका रूम क्लीन करते करते इतना टाइम लग ही गया और छोटा सा ही रूम है बहुत बड़ा नहीं है पर आप सीलिंग भी क्लीन करो ब्लाइंड्स और सब कुछ क्लीन करो थोड़े से कपड़े भी लॉन्ड्री के थे तो वो भी मैंने रख दिए फोल्ड करके तो वन आवर यहाँ पे ही निकल गया है तो बाकी के रूम्स डेफिनेटली मैं आज क्लीन नहीं करूँगी और ये एयर प्योरीफायर है विदान को थोड़ी सी पोलन की एलर्जी है ना तो डॉक्टर ने बोला था कि इस तरह से एयर प्योरीफायर रखेंगे ना तो उसे हेल्पफुल रहेगा कारपेट वाला हाउस होता है ना तो वहाँ पर ये ट्रबल रहती है तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है एयर क्लीन करने के लिए और वो सब कुछ करने के बाद नहाना पूजा पाठ करना सब कुछ हो गया और मैं नीचे आ गई एक्चुअली यहाँ पे मैं एक बैटर रेडी कर रही हूँ तो बेसन ले लिया है अराउंड वन कप जितना अंदर मैंने अदरक और जिंजर की पेस्ट डाल दी है गार्लिक और जिंजर की सॉरी और ग्रीन चिल्ली फ्रोजन वाली पेस्ट है वो निकाल ली थी सुबह ही तो वो डाल दी है यहाँ पर एक वन और टू वन एंड हाफ स्पून जितना मैंने राइस फ्लार डाला है अजवाइन थोड़ी सी हल्दी पाउडर धनिया जीरा पाउडर बेसिक ही मसाले करेंगे जैसा हम पकोड़ा या फिर भजिया बनाने के लिए बनाते हैं ना उसी तरह से और इसमें राइस फ्लावर डालेंगे ना तो ये क्रिस्पी अच्छे से बनेगा सिर्फ बेसन से बनाएँ उससे बजाएँ और पानी डाल के इसका घोल रेडी करके इसे हम रेस दे देंगे रख देंगे बेसन का जब भी कुछ भी ये बनाओ ना तो थोड़ा सा रेस देंगे ना तो ये फूल जाएगा और अच्छा बनेगा तो मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ पर डेफ़िनेटली मैं फ्राई करके तो बनाऊँगी ही नहीं इतना ऑयल तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती रेरी रेयरली हम लोग फ्राइड किया हुआ खाना खाते हैं और पनीर के मुझे एक्चुअली बड़े क्यूब्स चाहिए थे पर मेरे पास थे नहीं तो मैंने इसे क्रम्बल ही कर लिया और चटनी अभी धनिया तो है नहीं तो मैंने फ्रीज़र में रखा था इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स चटनी बना के धनिया की तो वो ही निकाल रही हूँ तो जब तक ये मैं बनाऊँगी ना कुकिंग करूँगी तब तक ये रूम टेम्परेचर में आ जाएंगे जो अभी आइस क्यूब जैसे है और यहाँ पे मेयोनेज़ की जगह पे पहले मैंने सोचा था मेयोनेज़ की जगह पे ये, ये यूज़ करूँगी तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे ड्रेन आउट होने के लिए रख दिया था दही दही का जो पानी निकलता है ना उसका भी आप आटा लगाने में यूज़ कर लेंगे ना तो वो भी वेस्टेज नहीं जाएगा और धनिया बाहर से लाई थी ना तो थोड़े से काउंटर पर ही रह गए थे तो अच्छे से सूख गए थे उसका भी पाउडर बना के मैंने भर लिया और वीर को आज मैं पटेटों की सब्ज़ी बना के खिलाऊंगी बच्चे लोगों को बहुत दिन हो गए पटेटों की सब्ज़ी नहीं बनाई तो ऐसे ही पटेटों की सब्जी तो नहीं खिलाऊंगी साथ में कुछ हेल्दी तो बनाऊंगी ही तो यहाँ पे राइस फ्लार को पानी में अच्छे से घोल कर लिया है और बीट रूट के जो लीव्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक वाली लाई थी मैं स्पेशली इसी तरह से कुछ बनाऊंगी ऐसा सोच के ही तो उसे मैंने चॉप कर ली है और इसमें डाल दूंगी और इसकी रोटियाँ बना लूँगी ये बहुत ही हेल्दी होते हैं जितना बीटरूट होता है ना हेल्दी उसी तरह से पर आप लाए ना तो अच्छे से वॉश करके डालना और फिर ऑर्गेनिक हो तो अच्छा हो कोई पेस्टिसाइड्स जो हार्मफुल हो वो हमें ना जाए घर पे गया हुआ हो तो तो अलग ही बात है पर बाहर से लाए ना तो थोड़ा सा लीव्स यूज़ करो ना तो ऑर्गेनिक वाला हो तो थोड़ा अच्छा रहता है और कई दिनों से इतनी बारिश और ऐसा हो रहा है ना तो धूप बिल्कुल भी नहीं आई तो आज थोड़े टाइम के लिए आई थी ना तो इतना अच्छा लग रहा था ना अदरवाइज सनी तो बिल्कुल भी रहता ही नहीं यहाँ पे साउथ में है फिर भी यहाँ पे इतना सनी नहीं रहता ये सीजन ही ऐसा है ना ठंड होती है या बारिश होता है क्लाउडी होता है या फिर रेन और आज क्वेश्चन भी मैं सब निकाल लूँगी मैंने बोला ना क्लीनिंग वाला दिन है तो आज मैंने सोचा क्वेश्चन भी निकाल लूँ एक्चुअली वीर को थोड़ी सी खांसी हुई है कफ कफ जैसा हुआ है ड्राई ही है पर कई दिन हो गए कितनी बार डॉक्टर विजिट करके अभी आए हम लोगों ने रिपोर्ट्स भी करवाए कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर को लग रहा है कि उससे कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उसका भी हम टेस्ट करवा रहे हैं पर तब तक मैंने सोचा ये सब चीज़ें घर में सब इतना अच्छे से क्लीन करें ताकि कम से कम डस्ट घर में लगे और उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो वैसे उसे उसे स्कूल में अच्छा लगता है घर में ही उसे ट्रबल होता है तो मैंने अब से मैं जब से डॉक्टर ने बोला ना तब से मैंने सब कुछ क्लीनिंग एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया कहीं भी डस्ट जितनी पॉसिबल हो उतनी मैं वाइप करके रखूँ क्लीन करके रखूँ वैसे सोफ़ा है ना कपड़े कुशन वाला है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है अब नेक्स्ट टाइम जब भी सोफा बाई करना होगा ना तो मैं कुशन वाले इस तरह से कपड़े वाला कभी नहीं बाई करूँगी बहुत ही इसे मेंटेन करना मेंटेनेंस का काम क्लीनिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और वीर को ले आई थी उसके बाद इसके लिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं रोटियाँ पूड़ा है हमारे यहाँ इसे बहुत अच्छे से बन जाती है और बच्चे लोगों को इस तरह से पत्तियाँ कुछ खिलाना हो ना जो वह पसंद नहीं करते तो इस तरह से आप रोटियां बना के खिला सकते हो वीर को खाना खिला रहे हैं हस्बैंड अभी तो मैं यहाँ पे पकोड़े बनाऊंगी हेल्दी तरीके से बनाऊंगी मुझे बहुत टाइम से खाने का मन कर रहा था पर मैंने बनाया नहीं था तो आज बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी बना था बहुत ही यमी लगा और आप लोगों को पता होगा कि कई बार क्रेविंग्स है ना कुछ खाने की तो ऐसे इस तरह से बना के खा लेना चाहिए थोड़ा सा हेल्थी वे में तो यहाँ पे गोल में मैंने थोड़ा सा इनो डाल दिया था और ब्रेड को इस तरह से डीप कर लूंगी और एक एक सिंगल ब्रेड को हल्का हल्का सा मैं टोस्ट कर लूंगी एक साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा टोस्ट करूंगी जिस साइड पे चटनी जाएगी और फिलिंग्स जाएगा दूसरी साइड पे थोड़ा सा मैं कम करूंगी ताकि हम इसे अगेन रोस्ट करें ना तो प्रॉपरली कर सके जल ना जाइए और फ्राई करके बनाओ ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो वो पहले भी मुझे इतना पसंद नहीं आता था पर ब्रेड पकौड़ा वैसे मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है तो दोनों यहाँ पे टोस्ट कर लिया है तो एक साइड पे मैंने अच्छे से जितना मैक्सिमम करना चाहिए उतना कर लिया है तो उस साइड पे ही मैं चटनी लगाऊंगी जो सुबह निकाला था ना चटनी फ्रीजर में से वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गई है और इसको भी स्प्रेड कर लेंगे यहाँ पे मैंने सोचा था जो दही वाला बनाया था ना उसमें थोड़ा सा सीरी राचा सॉस डाल के ठीक दही में डाल के लगाऊंगी पर मैं जब सैंडविच बना रही तब मैं भूल ही गई थी तो पहले मैंने सोचा था ग्रीन चटनी लगाऊंगी एक साइड पे उस पर पनीर लगाऊंगी और दूसरी ब्रेड पे ठीक दही वाला स्रियाचा सॉस साथ के साथ मिलकर मैं उन्हें जेटला फ्ले जैसा फ़्लेवर दूंगी पर आप कर सकते हो उस तरह से ठीक योगर्ट में स्रियाचा सॉस या फिर रेड चिली सॉस कोई भी डाल सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे पनीर के साथ चीज़ भी आप डाल ना तो एकदम परफेक्ट बन जाती है पर मुझे ये हेल्दी बनाना है ना चीज़ डालूंगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा चीज़ में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी होती है और पनीर डाला है तो प्रोटीन आ जाएगा इसमें से अच्छे से तो हैवी भी हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है हल्का हल्का सा ब्रश कर लिया है ताकि इसमें कलर भी अच्छा है और एक टेक्सचर भी आ जाए जैसे हम लोगों ने टोस्ट किया हो फ्राई किया हो इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है मीडियम फ्लेम पे ही करना है ताकि ये जल ना जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए बाहर का लेयर तो एकदम परफेक्ट बना था और अब... जो क्रेविंग्स आती है ना कई बार ऐसे स्ट्रीट फूड खाने की तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए टर्न कर दीजिए और इसे हेल्दी वर्जन बना के खा लीजिए तो ये तो बहुत ही परफेक्ट बना था सिर्फ ये कि चीज़ नहीं डाली थी ना तो और पनीर भी क्रम्बल करके डाला था पटेटो या कुछ नहीं डाला था तो थोड़ा सा निकल रहा था तो आप चीज़ डाल सकते हो या फिर थोड़ा सा पटेटो भी साथ में मैश करके डाल सकते हो तो भी परफेक्ट बन जाएगा और सिंपल सा सीराचा सॉस या फिर ग्रीन आ, आ, टोमेटो केचप के साथ ही सर्व करेंगे तभी बहुत यमी लगता है तो ये था आज का हमारा ब्रंच और आज डिनर में एकदम यमी हेल्दी और विंटर फ्रेंडली स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद है ये मैंने वैसे इंडिया में कभी भी बाहर नहीं खाया था जहाँ से हम इंडिया में है ना वहाँ पे ये इतना मिलता नहीं था जब तक हम इंडिया में थे एक बार एक दो बार मैंने पूना में खाया था जब हम पुना रहते थे वहाँ पर और उसके बाद मैं खुद ही बनाना स्टार्ट किया घर पर ही तो आज मैं बना रही है मोमोज व्हीट फ्लावर से बनाऊंगी तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स चॉप कर ली और ये सीड्स मैं गार्डनिंग के लिए स्टोर कर रही हूँ तो ये बेल पेपर है ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग भी रहे थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे तो मैंने इसके सीड्स यहाँ पे स्टोर करके रख दिए ताकि अभी स्प्रिंग आएगा ना तो मैं इसके सीड्स का यूज़ कर लूंगी और जो छिलके निकले ना वो भी जाएगा कॉम्पोस्ट के लिए उसके बाद प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे ही बाकी की चीजें करेंगे तो यहाँ पे कैबेज कैरेट्स और ग्रीन बीन्स को मैं चॉपर में चॉप कर लूंगी बारीक बारीक सा ये चॉपर है ना बहुत ही परफेक्ट है इस तरह से चॉप करना हो कोई वेजिटेबल्स को तो परफेक्टली एकदम चॉप करता है वैसे मेरा ब्लेंडर है उसके साथ का एक एक्सटेंशन जैसा है ये एकदम सही से चॉप हो जाता है कोई इतना छोटा छोटा बारीक भी नहीं होता और कोई बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रह जाता तीन वेजिटेबल्स मैंने साथ में डाली थी फिर भी बहुत अच्छे से हो गया सेम वे यहाँ पर मैंने ब्रोकली और बेल पेपर को भी डाल के क्रश कर लूँगी तो इस तरह से कोई चॉपर या ऐसी चीजें हो ना तो बहुत आसानी से हो जाता है अगर बारीक बारीक इसे काटने जाओ तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाए और इसमें गार्लिक और जिंजर अच्छे से जाएगा गार्लिक अच्छे जिंजर से भी अच्छी क्वांटिटी में डालना है तो गार्लिक और जिंजर को इस तरह से भी बार एक बार एक आप चॉप कर सकते हैं या फिर चॉपर में इस तरह से डाल दीजिए मैं यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ही गार्लिक और जिंजर को चॉप करें उसका रीज़न ये है कि मैं मोमोज के, के साथ खाने के लिए एक चटनी भी बना रही हूँ तो उसमें भी मुझे चाहिए जिंजर और गार्लिक तो अराउंड मैंने टेन टू ट्वेल्व बड़े साइज के गार्लिक और, और दो तीन पीसीस दो तीन इंच वाले जिंजर के डाल दिए हैं गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा है जिंजर से और इसे भी इस तरह से चॉप करके निकाल लिया है और बारी अब आ, अब आई अनियन की तो अनियन के बिना ये चटनी भी नहीं बनेगी और आ, हमारे बेस भी नहीं बनेगा तो अनियन को भी मैंने टू मीडियम थोड़े से मीडियम साइज से थोड़े से बड़े अनियन को यहाँ पे चॉप करके सब वेजिटेबल्स रेडी कर लिए हैं तो सबसे पहले फिलिंग्स बनाएंगे क्योंकि वो हमें रूम टेमपरे टेम्परेचर पर चाहिए गर्म होगा तो हम फील नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले मैंने टू टेबल स्पून जितना यहाँ पर जिंजर और गार्लिक चॉप करके रखा था वो डाल लिया साथ में आधा कप जितना अनियन को डालेंगे यहाँ पे चॉप किया हुआ अच्छे से कुक करना है और मीडियम हाई फ्लेम पे ही करना है फ्लेम को फ्लेम को लो रखेंगे ना तो सॉफ्ट हो जाएंगे वेजिटेबल्स हमें ये क्रंची ही चाहिए सॉफ्ट हुई कुक हुई एक्स्ट्रा ऐसी नहीं चाहिए यहाँ पे थोड़े से मैंने डाल दिए हैं पत्ते गार्लिक के मेरे पास थे वो और जो वेजिटेबल्स चॉप करके रखी थी ना वो सब डाल देंगे अराउंड टू 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 एंड हाफ कप जितनी है हाई फ्लेम पर ही सब चीज़ें यहाँ पर मैं कर रही हूँ रोस्त साथ में धनिया की पत्ती आ जाएगी स्प्रिंग अनियन हो तो स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हो यहाँ पे आप अराउंड तीन दो से तीन मिनट तक ही मैंने इसे पकाया बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत है नहीं इसे क्रिस्पी करना है और पर ऐसे ही रखना है बहुत सॉफ्ट होने नहीं देना है इस स्टेज पे मैंने एक टेबल स्पून जितना बटर डाल दिया साथ में ब्लैक पेपर स्टोव को कर दिया है लो फ्लेम पे इस टाइम पे और मैंने यहाँ पे टू टेबल स्पून जितना सोया सॉस डाल दिया साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला अराउंड आधा चम्मच जितना सॉल्ट डाल देना सॉल्ट अभी तक नहीं डाला था सॉल्ट अब पहले से डालेंगे ना तो वेजिटेबल्स पूरी सॉफ्ट हो जाएगी तो कुक हो जाए उसके बाद ही सॉल्ट डाला है और सब को मैंने अगेन हाई फ्लेम पे कर दिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जाएगा विनेगर तो अराउंड वन एंड हाफ टेबल स्पून जितना विनेगर डाला है बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आपका फिलिंग हो गया रेडी आप चाहो तो पनीर या सोया चंक्स या ऐसे चीज़ डालना चाहो ना तो इस स्टेज पे डाल के इसे मिक्स कर लीजिए इसे मैंने अलग पॉट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए और सेम पॉट में मैं बनाऊंगी चटनी तो ये चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है कभी भी मोमोज बनाना तो बहुत सिंपल होता है पर चटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है चटनी अच्छी हो ना तो कोई भी मोमोज अच्छे लग जाते हैं तो यहाँ पे अगेन टू टेबल स्पून जितना जो गार्लिक और जिंजर की हम लोगों ने चॉप करके रखा था ना उसे रोस्ट कर लेंगे हाफ कप डाला है यहाँ पे अनियन जो चॉप करके रखा था अगेन अच्छे से मिक्स करना है और ये इसे भी हम मीडियम हाई फ्लेम पे ही करेंगे तो इसे यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है थोड़ा सा कुक करना है पर इसे हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा सॉल्ट डाल देंगे ताकि थोड़ी सी कुकिंग प्रोसेस स्पीडअप हो जाए तो अनियन हो रहा है रेडी तब तक टमाटर को कर लेंगे चॉप और यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली को सो करके कर रखा था गर्म पानी में अराउंड छः से सात यहाँ पे डाल देंगे टू टेबल स्पून जितना डालेंगे यहाँ पे और सेसमी सीड्स रेगुलर वाले तो अराउंड टू एंड हाफ टेबल स्पून डाले हैं मैंने यहाँ पे सेसमी सीड्स और ये डालने के बाद अच्छे से करेंगे कुक रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे कर दिया है स्तव को अनियन ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है साथ में चिलीज़ और सेस सिर के साथ यहाँ पे टमाटर डाल लेंगे टू मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके डाले हैं तो अब हमें इसे करना है कुक जब तक ये टमाटर पूरी तरह से कुक ना हो जाए अगर आपकी कश्मीरी रेड चिली परफेक्ट रेड हो ना एकदम सही वाली तो एकदम कलरफुल चटनी बनती है मेरे पास है ना वी तरह की है मुझे इससे अच्छी बेटर क्वालिटी की कहीं भी कश्मीरी रेड चिली यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ पे टमेटो सॉफ़्ट हो गए हैं तो इस स्टेज पे डालेंगे हम सोया सॉस एक टेबल स्पून सोया सॉस डाला है और यहाँ पे विनेगर एक टेबल स्पून थोड़ा सा टमेटो केचप अराउंड वन टू वन एंड हाफ़ टेबल स्पून जितना आप यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के होने देने के बाद हम मिक्सी में डाल देंगे और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे फ्लेवर को सॉल्ट को आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हो मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालूंगी क्योंकि मेरी जो कश्मीरी रेड चिली है ना वो इतनी रेड है नहीं इसलिए और इसमें पानी डाल के इसकी एकदम स्मूथ सी पेस्ट बनानी है तो ये चटनी रेडी हो गई तो एकदम लाल नहीं दिख रही है क्योंकि कश्मीरी रेड चिली प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे तो मुझे कहीं से भी एकदम लाल कलर की जो कश्मीरी रेड चिली होती है ना वो ढूंढनी है ताकि मैं चटनी अच्छे से बना सकूँ तो चटनी हमारी रेडी है मोमोज का जो मटेरियल है वो भी कुक हो गया है तो हम अभी आटा लगाएंगे तो आटा लगाने के लिए मैं 100% परसेंट व्हीट फ्लॉर का ही यूज़ करेंगे कुछ भी इसमें मैदा ऐसी कुछ चीज़ें नहीं डालूंगी आप चाहो ना तो थोड़ा सा मैदा डाल सकते हो या फिर कॉन्स्टार्च का भी एक टो स्पून डाल दो या फिर एरा रूट पाउडर डाल दो तब भी अच्छा बनता है पर इससे भी अच्छा बन जाएगा अगर आप 100% होल व्हीट से ही बनाएंगे तब भी तो एकदम सिंपल तरीके से आटा लगाना है इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं सिंपल हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से ऑयल यहाँ पे डाल दिया है मैंने आप चाहो तो हल्का सा सॉल्ट डाल दीजिए और पानी लगा के इसको रूम टेम्परेचर वाला पानी लगाए इसका आटा लगाना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं जैसा रोटी का लगाते हैं बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं मीडियम सॉफ्टनेस वाला आटा लगाना है हमें अच्छे से घूंढ लेना है और इसे रेस देना है थोड़ी देर ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा ऑयल का कोटिंग कर लीजिए ताकि इस आटे में कोई भी क्रैक ना आ जाए और ऊपर से ड्राई ना हो जाए आटा कवर करके अराउंड फाइव टू सिक्स मिनट्स मैंने रखा और उसके बाद बाकी की प्रोसेस कर लेंगे तब तक सब रेडी होगा जो ये फीलिंग है ना वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गए बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा दूसरी तरफ मैंने स्टीमर भी रख दिया है ताकि ये जैसे ही हो तो हम रेडी करके स्टीम होने के लिए रख दें और घर में सब लोगों को भी बोल लिया है कि अब मैं बना रही हूँ तो जैसे ही ये स्टीम हो जाएगा सब लोगों को खाना है तो गर्मा गर्म खाएंगे तभी अच्छा लगेगा तो बेचीज में बनाऊंगी पहले एक भजन के लिए और दूसरे के लिए वैसे तो वीर नहीं खाएगा तो वीर के लिए मैंने किया क्या है ये सब्जी है ना जो फिलिंग्स बनाए उसी में राइस को रोस्ट करके उसे ले लिया तो उसका हो गया है डिनर और हम पूरी बनाते उसी तरह से इस तरह से बेलना है और फिलिंग यहाँ पे करनी है रखनी है जितनी भी आप रख सको तो मेन तो क्या होता है ना उस पर हम लोग जो ऊपर जो प्लेट्स जैसी आती है ना वो नहीं कर पाते तो हम अपने जुगाड़ लगाएंगे किस तरह से सिंपल तरीके से करनी है जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोगों की तरह तो मैं तो नहीं कर पा रही हूँ पर मैंने अपना जुगाड़ लगा लिया ताकि ये मोमोज जैसा दिख जाए जैसा बाहर मिलता है ना ऐसा दिख जाए तो फिलिंग लगा के इस तरह से साइड्स को हम लोगों ने सील कर दिया है अब मैं इस तरह से हाथ से दबा के प्लीट्स लगाऊंगी इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से आप चिपटी जैसे लगा लीजिए दो फिंगर फिंगर और ठाम का यूज़ करके और ये हो गया हमारा मोमो अगेन एक बार दिखाती हूँ अगर आप देखना चाहते हैं मैंने किस तरह से किया है इसे बेसिकली सील अच्छे से करना है फिर इसे इस तरह से बिठा देना है थोड़ा सा इसे बैंड भी कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर मोमोज के शेप में आ जाए फिर हल्का हल्का सा इसे दबा के इस तरह से कर लेना है जैसे हम लोग जैसे इसे सील करते टाइम है किया ना उसी तरह से कर लेना है तो दो शेप में बनाया थे एक शेप में पहले पहले सिंपल शेप में कर दिया फिर दोनों एंड्स मैंने कनेक्ट कर दिए और सिंपल तरीके से इसे प्लेट्स इस तरह से लगा देंगे

जैसा भी शेप हो पहले दे दीजिए फिर उस पर इस तरह से प्लीट्स लगा दीजिए तो सभी ऐसे मोमोज दिख गए थे एकदम परफेक्ट लगे थे दो ही शेप में बनाए थे मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ मोमोज में तो रेडी हो जाए और सिमर भी हमारा दूसरी तरफ रेडी है तो इसे स्टीम करते जाना है दस बारह मिनट टेन टू ट्वेल्व मिनट्स लगते हैं मीडियम हाई फ्लेम पे इसे स्टीम करना है और इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे तभी अच्छा लगेगा जैसे ही निकाला और सीधे प्लेट में खाने के लिए दे दीजिए एक बार ठंडा हो जाएगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि व्हीट फ्लावर का है तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगेगा शायद क्योंकि व्हीट फ्लावर का है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे घर में जब भी मैं मोमोज बनाती हूँ ना तो इसी तरह से बनाती हूँ सब लोगों को बोल रही हूँ अभी मैं बना रही हूँ तो अभी सब लोग आ जाए खाने के लिए एक बार मैं जितना निकला इसमें से सब लोग दो लोगों को दे दूँगी और दूसरी वो खाना फिनिश करे तब तक मेरा दूसरा बैच भी हो जाएगा और जो चटनी बनाई थी ना वो चटनी इसके साथ बहुत परफेक्ट जाती है तो कभी मोमोज इस तरह से ट्राई करें ना घर तो ये चटनी की जो रेसिपी है वो मस्त ट्राई रेसिपी है आ, मैं हर बार इस तरह से बना कई बहुत पहले मैंने कहीं यूट्यूब पे ही देख के बनाई थी उसमें थोड़ा बहुत अपना डाल देना है हमें जो हमारे घर के हिसाब से आता है उसी तरह से और फिर ये रेडी हो गया और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर